वेलकम टू हंगर हिट्स होम। आज हम ऑरेंज की स्पेशल पुडिंग बना रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंट पुडिंग ऑफ ऑरेंजेस। यू कैन यूज कीनूज ऑल्सो एंड मेक दिस पुडिंग व्हेन ऑरेंजेस आर इन सीजन। ये पुडिंग बहुत ही आसान है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। टेकन सम ऑरेंजेस ओवर हियर। मैंने यहाँ कुछ संतरे ले लिए हैं। अब हम इसका जूस निकालेंगे। यहाँ मैं हैंड जूसर ले रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक जूसर में इसके बीज भी पिस जाते हैं। आई एम टेकिंग दिस हैंड जूसर बिकॉज अदरवाइज द सीड्स ऑल्सो गेट ग्राइंडेड इन द मिक्सर जूसर। We are taking out the juice of these oranges. हम इन संतरों का जूस निकाल रहे हैं। तो चलिए ऑरेंज पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 400 मिलीलीटर संतरे का जूस लिया है। ये लगभग 6 से 7 संतरों या कीनू में से निकल गया है और इसे मैंने छान के यहाँ रख लिया है। मैंने इसके लिए हैंड जूसर यूज़ किया है क्योंकि बिजली वाले मिक्सर ग्राइंडर में बीज भी पिस जाते हैं और जूस कड़वा हो जाता है। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली है। अगर आपके संतरा या कीनू ज़्यादा खट्टे हैं तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और लगभग 1/2 कप के बराबर मैंने यहाँ नारियल का बुरादा लिया है। I've taken 400 ml of orange juice. I've strained it and I have used the hand juicer to make this juice. Otherwise, the seeds get grinded and the juice turns bitter. I've taken 3 tablespoons of sugar. If your juice is sour, you can increase the quantity of sugar. 3 tablespoons of corn flour and 1/2 cup of desiccated coconut powder. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऐड द कॉर्नफ्लोर इनटू अ बोल। सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर को एक बोल में डालेंगे। ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है। ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। अब हम इसमें धीरे धीरे ऑरेंज जूस डालेंगे। विल ऐड द ऑरेंज जूस इनटू द कॉर्नफ्लोर एंड मिक्स इट वेल सो दैट देर आर नो लम्स। हम धीरे धीरे ऑरेंज जूस डाल के इसको हिलाएंगे ताकि कोई गांठे ना रह जाए। आपने जो ऑरेंज जूस लिया है उसे छान के लेना है ताकि कोई बीज ना आ जाए। यू हैव टू स्ट्रेन द ऑरेंज जूस विच यू आर यूजिंग फॉर दिस पुडिंग। धीरे धीरे करके आप 2 कप ऑरेंज जूस डालिए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। मिक्स ऑरेंज जूस इनटू द कॉर्नफ्लोर। अब आप इसमें चीनी डाल दीजिए। नाउ ऐड द शुगर एंड मिक्स इट प्रॉपरली। अब हमारी चीनी और कॉर्नफ्लोर ऑरेंज जूस में अच्छी तरह मिल गया है। नाउ आवर शुगर एंड कॉर्नफ्लोर हैज मिक्स्ड वेल इन टू द ऑरेंज जूस और कीनू जूस। अब एक पैन को गैस पे चढ़ाइए। हीट अ पैन and now add this mixture to it. अब आप इस मिश्रण को इसमें डाल दीजिए और इसे लगातार चलाते जाइए। Stir this mixture continuously and you have to do it regularly because otherwise lumps will be formed of the corn flour. आपने इस मिक्सचर को लगातार हिलाना है ताकि कॉर्नफ्लोर की गांठे ना पड़ जाएं। This mixture and stir continuously so that there are no lumps. Cook it on a low medium heat until it's thick. आप इसे तब तक पकाइए जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और आप इसे लगातार हिलाइए ताकि इसमें कोई गांठे ना पड़े। कुछ लोग इसमें फूड कलर मिला लेते हैं जिससे गहरा नारंगी रंग आ जाता है, पर हम इसे नेचुरल कलर में ही रहने देंगे।
आप इसे लगातार हिलाते जाइए। इसे पकाने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। अब ये मिक्सचर गाढ़ा होने लग गया है, हम इसे गिरा के देखते हैं और ये गाढ़ा हो चुका है। ड्रॉप दिस मिक्सचर एंड फाइंड आउट इफ इट्स थिक इनफ फॉर द पुडिंग। अब ये मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है क्योंकि ये रुक रुक के गिर रहा है, लगातार नहीं गिर रहा। नाउ दिस मिक्सचर हैज बिकम थिक बिकॉज इट्स ड्रॉपिंग स्लोली, सो विल टर्न ऑफ द गैस। हम गैस को बंद कर देंगे। हमने हमारी पुडिंग को गैस से उतार लिया है। वी हैव रिमूव द पुडिंग फ्रॉम द फायर एज इट हैज बिकम थिक, यू कैन सी। यहाँ मैंने एक कटोरी और दो ग्लासेस के घी लगा दिया है। आई हैव ग्रीस्ड टू ग्लासेस एंड वन बोल। यू कैन टेक एनी यूटेंसिल्स और एनी शेप विच यू लाइक। यू कैन टेक द मोल्ड्स, वॉट एवर शेप यू वॉन्ट यू कैन यूज दैट। एंड नाउ विल पोर द मिक्सचर इन टू इट। अब हम इसमें ये मिक्सचर डालेंगे ताकि ये सेट हो जाएगा। इसी तरह ग्लासेस में भी हम ये मिक्सचर डाल देंगे। विल पुट द मिक्सचर इन द ग्लासेस ऑल्सो। आई पुट द मिक्सचर इन टू द ग्रीस्ड ग्लासेस एंड बोल एंड आई केप्ट इट एट रूम टेम्परेचर अंटिल इट कूल्स डाउन। मैंने ये मिक्सचर को घी से चुपड़े ग्लास और कटोरी में डाल दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रिज के में रख देंगे लगभग 1 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। विल कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर व्हेन इट कूल्स डाउन फॉर 1 आवर सो दैट इट सेट्स प्रॉपरली। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद मैंने इन ग्लासेस और इस कटोरी को बाहर निकाल लिया है। आई हैव रिमूव्ड these bowls and glasses from the refrigerator after 1 hour and now it's set. अब ये सेट हो चुकी है। हम एक चाकू की सहायता से इसके साइडों पे थोड़ा घुमा देंगे। विल डीमोल्ड विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। ये देखिए ये बढ़िया सेट हो चुकी है। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे। विल रिमूव ऑल ऑफ देम। ये भी सेट हो गई है। और ये भी सेट हो गई है। अब हम चाकू की सहायता से इसे काट लेंगे। विल कट इट विद द नाइफ। हमने इसे गोल काट दिया है। नारियल का बुरादा लेंगे और एक एक पीस को इसमें रोल कर देंगे। विल रोल द पीसेस इनटू द कोकोनट मिक्सचर एंड इट विल लुक लाइक दिस। विल प्लेट इट। इसी तरह आप सब सर्कल्स को नारियल में लपेट के यहाँ सजा दीजिए। अब हमने सारे पीसेस को नारियल के बुरादे में लपेट दिया है। बीच में हम
ये जो हमने बोल में सेट की थी उसे हम बीच में रखेंगे, इससे भी हम नारियल के बुरादे में लपेट देंगे। मैंने यहाँ पिस्ते को बारीक टुकड़ों में काट दिया है और अब हम इस पिस्ते को इन टुकड़ों पे सजाएंगे। आई हैव कट सम पिस्टैशियोज एंड नाउ विल डेकोरेट द ऑरेंज पुडिंग विद दिस। आप सारे टुकड़ों पे थोड़े थोड़े पिस्ते डालिए जिससे ये और सुंदर लगेगा। लीजिए, हमारी ऑरेंज पुडिंग बनकर तैयार है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। जब भी ऑरेंज सीजन में हो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ऑरेंज पुडिंग इज़ रेडी। चिल्ड्रन विल लव दिस डिश एंड वेन एवर ऑरेंजेस आर इन सीजन डू ट्राई दिस रेसिपी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल हंगर हिट्स होम एंड शेयर दिस रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल हंगर हिट्स होम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।